अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। शिक्षा सबसे अधिक मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दीजिए। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपना राज किसी को ना बताइए, यह आपको बर्बाद कर देगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता ना हो जिसमें स्वार्थ ना हो, एक कड़वा सच है। सांप के फन मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति इससे भी भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुख की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जब आप किसी काम को शुरुआत करें तो असफलता से ना डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सबसे अधिक प्रसन्न वही रहते हैं। सेवक को तब परखे जब हुआ काम ना कर रहा है। रिश्तेदार को किसी कठिनाई से, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्त में। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उससे पीछे की भाग ढकती है, ना ही कीड़े मकोड़े की डंक से बचाती है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें बाड़ी मन इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है।